दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला में काफी संख्या से बाहरी राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई लोग अपने वाहनों में किसान आंदोलन के समर्थन में झंडे लगाकर आ रहे हैं। शिमला के मुख्य पॉइंट विक्ट्री टनल के पास भी सुबह करीब 10:30 बजे एक वाहन को पुलिस ने रोक लिया। वाहन में किसान आंदोलन का झंडा लगा हुआ था। यहां पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने गाड़ी को रोककर पहले झंडा उतरवाया और उसके बाद चालक को समझाकर भेजा। इससे पहले शिमला के रिज मैदान पर पुलिस ने 3 किसानों को पकड़ा था जो यहां पर समर्थन मांगने आए थे। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।